हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से रॉकिंग स्टार यश की हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म KGF चैप्टर 2, जो कि कहने को गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, लेकिन ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में हर बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, चाहे वो RRR हो या फिर बाहुबली 2। हिंदी वर्जन में आपको बताया इस फिल्म ने 39 करोड़ की एडवांस बुकिंग से कलेक्शन किया है, और ये प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि ये फिल्म आसानी से पहले दिन 50 से 55 करोड़ कमा रही होगी, बोले तो हिंदी वर्जन से, क्योंकि जो शोज हैं फिल्म के सुबह से ही मॉर्निंग से ही हाउसफुल चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि फिल्म का जो फर्स्ट शो स्टार्ट हुआ था रात के 1 बजे से, और वो शो भी हाउसफुल था, जहाँ पर इसकी टिकट आपको पता है 1500 से 2000 तक खूब बिकी है और लोगों ने खरीदी भी है, जिससे पता चलता है इस फिल्म का क्रेज़ और ट्रेंड। अब ऐसे में बात की जाए फिल्म को लेकर, फिल्म की स्टोरी झकास है बोले तो, लेकिन बताया जा रहा है लास्ट में जो इसकी स्टोरी है थोड़ी डगमगा गई है, यानी कि थोड़ी सी फैल चुकी है, जिसके चलते ये चीज़ पता चलती है कि वाकई ये एक इंडियन फिल्म है। अब बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म बहुत ही बढ़िया है और इस फिल्म से लोगों को हिंट मिल चुकी है कि इस फिल्म का थर्ड पार्ट भी आएगा। तो बस जानेंगे फिल्म के हिट और फ्लॉप के वर्डिक्ट को लेकर कि फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप। भाई साहब, जिस हिसाब से इसका क्रेज़ है तो फ्लॉप आप एक बार के लिए साइड कर सकते हो। तो जानते हैं कि फिल्म हिट होगी या फिर ब्लॉकबस्टर। वेल, आपको यकीन नहीं होगा कि इस फिल्म का जो बजट है वो है महज 100 करोड़ रुपए, और ये फिल्म अपने पहले ही दिन ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, क्योंकि ये फिल्म कलेक्शन कर रही है अपने पहले ही दिन 200 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा, और चांसेस हैं ये फिल्म कहीं ना कहीं RRR का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्लियर कर नहीं सकते, क्योंकि हमें एक्चुअल रिपोर्ट्स पता नहीं है कि फिल्म कितनी ऑक्यूपेंसी के साथ कहाँ चल रही है। लेकिन ये आपको बता दूँ, हिंदी में इसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है, और ये फिल्म आसानी से RRR के कंपेरिजन में डबल कलेक्शन कर दिखाएगी हिंदी वर्जन से। अगर बात करूँ मैं फिल्म को लेकर, तो आपको यकीन नहीं होगा यार कि फिल्म बहुत बढ़िया है, और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में जो मेन तौर पे असली विलन है वो संजय दत्त ना होकर के बताई जा रही है रवीना टंडन। वेल, आपने अगर रिव्यू देखा तो आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट में आपकी राय मेंशन कीजिएगा। वहीं बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म ऑल टाइम सुपर ब्लॉकबस्टर है। वेल, वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।